बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन्वर्टर फ्रिज और नॉन इन्वर्टर फ्रिज में यानी कि क्या फ़र्क है, दोनों में जो बिजली जो है कंजप्शन जो है कितना फ़र्क है दोनों में। तो मैं आप लोगों को ये जो ये है हमारे पास इन्वर्टर फ्रिज है, ये हमारे पास डालेंस की, ये देख सकते हैं आप साइड पर यानी कि पीसी बोर्ड लगा हुआ है, और ये इन्वर्टर इस पर आप इसके स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को इसके एम्पेयर बताऊँ, अभी ये जो है 0.3 यानी कि एम्पेयर जो है उसकी कंजप्शन कर रही है। तो अगर आप नॉन इन्वर्टर फ्रिज के बारे में बात करें तो वो भी जो है 0.7 या 0.8 जो है एम्पेयर लेती है, मैक्सिमम जो है 1 एम्पेयर पर जाती है वो। तो अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए, इसके एम्पेयर तो थोड़े से कम है, लेकिन ये है कि वो इसकी रिपेयरिंग जो है उससे जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग जो है नॉन इन्वर्टर फ्रिज जो है वो लें, क्योंकि उसकी जो है लाइफ भी ज़्यादा है, उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, और उसकी जो है बिजली का कंजप्शन जो है बिल्कुल समझ लें कि 19 या 20 का फ़र्क जो है आप लोग कह सकते हैं कि ये है।